बस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो खुदावंत के फजल से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज जैसे आप लोगों को पता है कि संडे है, संडे को तो सबसे पहले हम चर्च जाते हैं। पिछले संडे मेरी तबीयत खराब थी तो मैं चर्च गई ही नहीं थी, तो इस संडे पहले सबसे चर्च गए हैं। और उसके बाद है अबीमाइल की बर्थडे। अबीमाइल को तो आप लोग जानते होंगे, मेरे देवर का बेटा है, हमारे साथ ही पहले रहते थे लेकिन अब उन लोगों ने अलग घर ले लिया हुआ है, तो उसकी बर्थडे पे जाना है। बच्चे तो चर्च के बाद वहीं चले गए हैं, इरफान के घर पे गए हैं। तो बाकी बर्थडे तो आप लोगों को वहां चल के दिखाएंगे। और उस दिन मैं ये लेके आई थी पैंट शर्ट। तो ये ड्रेस लाई हूं मैं उसके लिए गिफ्ट। तो मैंने सोचा पैसे क्या देने हैं, गिफ्ट दे देते हैं पैंट शर्ट, तो उसके इस्तेमाल में भी आएगी और यादगार भी रह जाएगी कि ये गिफ्ट मिला था मुझे बर्थडे पे। खिलौने तो बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं और फिर तोड़ देते हैं, तो वो पैसे भी वेस्ट ही जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते रहते हैं और याद भी रहता है कि ये हमें गिफ्ट मिला था। तो ये मैं पैक करने लगी थी ये गिफ्ट पेपर। पहले इसको इस शॉपर में कर लेते हैं ताकि आसानी से पैकिंग हो जाए। तो ये हमारे लिए भी एक गिफ्ट आया है, ये हमारे लिए गिफ्ट आए हैं छाबिये। हम तो छाबी बोलते हैं पंजाबी लोग, मुझे नहीं पता कि बाकी उर्दू स्पीकिंग इसको क्या बोलते हैं। तो ये हमारे लिए गिफ्ट आई है, तीन बच्चे हैं ना मेरे, तो इसलिए ये तीन आई है, तीनों बच्चों की एक एक। तो हम पहले इसको इस तरह से पैक कर लेते हैं। गिफ्ट पैक करके दे ना तो ज्यादा खूबसूरत लगता है और देखने वाले को भी खुशी होती है कि मुझे गिफ्ट मिला है, क्योंकि गिफ्ट को ओपन करने का अपना ही एक मजा है, वो अलग ही खुशी होती है कि हम गिफ्ट खोलेंगे अपना। इस तरह से ज्यादा सही रह रहा है। कभी कोई गिफ्ट वगैरह पैक करना हो तो मीरो मेरी हेल्प करवाती है, लेकिन आज वो पहले से ही चर्च के बाद चली गई उधर चाचू के घर, तो उधर इरफान के घर पे ही बर्थडे भी कर रहे हैं, क्योंकि इशफाक पंजाब गया हुआ था तो आज ही वापस आया है, तो इसलिए उधर इरफान के घर पे बर्थडे है। तो मैं ये गिफ्ट पैक करके फिर जाऊंगी। तो गिफ्ट तो हो गया है पैक और अब उधर जाएंगे बाकी, तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे, बच्चों से भी मिलवाएंगे, पूरी फैमिली से मिलवाएंगे आपको। तो व्यूअर्स हम आ गए हैं इधर इरफान के घर पे और सबसे पहले मेरे सोनी से मिले। चल सोनी हाय कर। हाय व्यूअर्स बोलो। हाउ आर यू? हाउ आर यू? तो अब इरफान से मिले। हाय व्यूअर्स हाउ आर यू ऑल? नेक्स्ट। अब मेरी ब्यूटीशियन से मिले। हेलो हाय। कॉलर खुला हुआ है, इधर तैयारी हो रही है। मैं ना ट्रेनिंग कर रही हूं। ये अभी माइल जिसकी बर्थडे है, मरियम से भी मिले व्यूअर्स। ये सोनी की मम्मा। आज मेरी बर्थडे, मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। ऑनलाइन करके दे देना, ऑनलाइन। हाय व्यूअर्स, राती करदा चांदे अदा, तारे चन्नू साथी देंदे रहमत ओदी है सदा, तारे चन्नू साथी देते रहमत ओदी। तो ये हो रही है बर्थडे की तैयारी, कैप वगैरह लेके आए हैं, बलून फुला रहे हैं। इसकी बर्थडे असल में थी फ्राइडे को, तो इशफाक यहाँ पे नहीं था। इशफाक आज सुबह ही आया है, पंजाब गया हुआ था, तो इसलिए सारी तैयारी बर्थडे की अभी हो रही है अर्जेंट, क्योंकि ये सब कहने लगे नहीं नहीं आज संडे है, सब घर से हैं तो इसकी बर्थडे कर लेनी चाहिए। तो व्यूअर्स ये हो रहा है मामा, ये बलून्स खुलाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, क्योंकि बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है कैप को लेके, क्योंकि इनको कैप पहनने का। ये
तो कैंडल्स वगैरह जला दी हैं केक पे, केक रेडी हो गया है। तो अब होगी केक कटिंग करने की रस्म। तो ये केक कटिंग हो गया और मीरत के सबसे ज़्यादा शोर मचा रही, सबके शोर में सलोनियस डर गया, वो रोना शुरू हो गया। सबसे ज़्यादा इन्जॉय तो मीरत भी कर रही है बर्थडे को, क्योंकि मीरत को केक भी अब ज़्यादा मिलेगा। तो अब खिला रहे हैं बर्थडे बॉय को केक, और बर्थडे बॉय को भाई थोड़ा ही खिलाना, बर्थडे बॉय की पहले ही तबीयत खराब है। तो ये सारे बच्चे खिला रहे हैं केक, और मीरब लाई है गिफ्ट, और जो ये इसने ड्रेस पहनी हुई है वो ड्रेस इसको रबीना ने गिफ्ट की है बर्थडे की। तो ये इसकी दीदी है एनी दीदी, गिफ्ट लाई है इसके लिए। रेजियल केक खिला रहे हैं। ज्यादा सारा खिलाओ भैया, नहीं तो ये अंजला और रोमियो भी दे रहे हैं अभी माइल को गिफ्ट। खा रहे हैं खाना, और खाने में है चिकन कढ़ाई और चपाती भी है, नान भी है, जिसको जो खाना हो वो खा सकता है। और ऊपर सलोनियस को तो बिरयानी खानी है, वो प्लेट पर जा रहा है, कह रहा है मैंने खाना नहीं खाना, मैंने बिरयानी खानी है। क्या खिला पूरा हो गया फिर को नहीं बात सही है। तो वो सभी हम आ गए हैं घर वापस। तो काफी सर्दी हो गई थी, कपड़ों से थोड़ी इरिटेशन होने लगी थी, अब तंग आ गए थे उन कपड़ों से, तो इसलिए आकर चेंज कर लिया है। और ये इश्फाक आज लेके आया हमारे लिए मिठाई, हम लोग किए हुए थे उधर, तो उस वहीं से उसने हमें दे दी है। तो ये फरमाइश करके हमने मंगवाए हैं गुलाब जामुन, क्योंकि मुझे और मेरे को तो गुलाब जामुन ही पसंद। तो ये हमारे लिए पंजाब से आई है स्पेशल मिठाई। इश्फाक और सलोनियस गए हुए थे पंजाब, तो वो मिठाई लेके आए हैं। और अभी हम आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारी अच्छी सी व्लॉगिंग देखने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।